अता के जवाब मौसूल नहीं हुआ। इस दौरान जब हम एक दूसरे से बातें कर रहे यहाँ पर था तो मेरे सामने असेंबली के स्टाफ ने इसका अभी मेरे सामने इसका जवाब रखा है। तो अभी मैं इसको कैसे पढ़ूं, इस पे मैं कैसे जिमनी क्वेश्चन करूं, ये हो नहीं सकता। लिहाजा एक क्वेश्चन नंबर 3 को डेफर कर दो। जी जी कर, इसमें मेरे ख्याल से नसुल्ला जेरे साहब की बात बिल्कुल उसमें लॉजिक भी है कि अभी आप इस और आपने खुद अपने चेयर पे बैठ के आपने कहा कि अभी असेंबली को एक घंटा पहले जवाब मौसूद हुआ है। जब असेंबली को एक घंटा पहले मौसूद हुआ है तो हमारे पास कब ये जवाब पहुंचा है? तो जनाब वाला, अगर हमने कोई सवाल पूछा है तो हम अपने जवाब को पढ़कर हम उससे मुतमईन होकर ज़िमनी क्वेश्चन पूछेंगे। जब हमें पता नहीं है, अभी हमारे सामने आपने टेबल की है, जब हमें पता नहीं है कि उन्होंने जवाब क्या दिया तो हम ज़िमनी सवाल कहाँ से पूछेंगे? तो जनाब वाला, इसके जेरे के सवाल को डेफर किया जाए, इसमें लॉजिक है जनाब स्पीकर।